लिथियम का कितना हो जाएगा 3, बोरान का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये इनका है एटॉमिक नंबर। अगर इनके हम कॉन्फिगरेशन की बात करें तो कॉन्फिगरेशन क्या हो गया इनका, K11 का कॉन्फिगरेशन देखेंगे, इनका हो गया 1, इनकी बात करें तो इनका हो गया 2,1, और इनकी अगर हम बात करें तो इनका हो गया 2,3 या फिर 2,3। मतलब के वाली सेल में 1,2,2 आ रहा है, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अगर इन एलिमेंट्स की हमें बैलेंस ही निकालनी है तो देखिए कैसे होगा। पहली जो इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन क्या थी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, लेकिन निकाल कैसे पाओगे वो, उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया आपको, कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस। आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे बाहर वाली सेल, जो बाहर वाली सेल होगी उसी को आउटर मोस्ट बोलेंगे। जैसे इसमें जो बाहर वाली सेल है यही है, ठीक है, इसके बाद कोई सेल है क्या, नहीं, तो यही बाहरी सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। दूसरे एलिमेंट की बात करें तो इसकी बाहरी सेल ये है क्या, नहीं ये है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इस बार इसकी वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे, 3। कार्बन हम ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है, कॉन्फिगरेशन करोगे 2,4, तो आप ये देख रहे हो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। लेकिन अब आपको याद रखना है, अगर 4 से ज्यादा हुआ, देखिए अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, तो डायरेक्ट ये उनकी वैलेंसी बन जाती हैं। लेकिन अगर 4 से ज्यादा हुआ कितना हो सकता है, आपके पास 4 मिल सकता है, 5, 6, 7, 8, 4 से ज्यादा, 4 हटा देंगे, 4 से ज्यादा की बात करें तो 5, 6, 7, 8, ये 4 मिलेंगे, लेकिन बैलेंस ये नहीं हुआ करती है, ठीक है। इनको आप निकालना है तो आपको 8 में से हमेशा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन के पास पहुंचते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7, कॉन्फिगरेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2,5। तो अब देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5, 5, 6, 7, 8। अगर इसमें से कोई भी आ रहा है 5, 6, 7, 8 में से, तो हमेशा क्या करोगे आप, बैलेंस ही निकालने के लिए 8 में से माइनस करोगे, तो 8 - 5 किया और यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6 हो गया। फिर से आप देख रहे हैं कि 6 जो है इनका पार्ट है, तो अगर इनका पार्ट है तो क्या करोगे, 8 में से माइनस करोगे, 8 - 6 दैट इज 2, तो यहाँ पे बैलेंस इसकी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, आगे कुछ एलिमेंट्स लेके चलते हैं। अब आपको पता है कि 1, 2, 3, 4 अगर आता है तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा आ जाता है तो आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ ले ले रहा हूँ, ये मैग्नीशियम ले लिया हमने, सिलिकॉन ले लिया हमने, इसके बाद हम लोगों ने आर्गन ले लिया, और उसके बाद कैल्शियम ले लिया, ये 4 एलिमेंट्स ले ले रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, 12 है, 14 है, 18 है और 20। कॉन्फिगरेशन भी आपको आना चाहिए, इसका कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,2, इनका हो जाएगा 2,8,4, 18 है, 2,8,8, ये कैल्सियम है, चौथी सेल आ जाएगी यहाँ पे, एन वाली भी सेल, ठीक है। बैलेंस यहाँ से हटाते हैं, इनका हो जाएगा 2,8,8,2, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसी वाला कॉलम बनाते हैं, तो आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं तो डायरेक्ट बैलेंसी बना, 4 हैं तो डायरेक्ट बैलेंसी बना, 8 आ गया, मतलब 4 से ज्यादा, 5, 6, 7, 8, तो इनका पार्ट हो गया ना, 5, 6, 7, 8। तो इसकी केस में आप क्या करने वाले हो, 8 - 8, 8 - 8 कितना हो गया, 0। और ऐसे आप देख रहे हो ये आर्गन है, आर्गन होती है नोबल गैस, जितनी भी नोबल गैसेस होंगी उनकी वैलेंसी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। आगे देखिए कैल्सियम आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 डायरेक्ट आ गया, तो आपको डायरेक्ट इसकी वैलेंसी क्या मिल गई, 2। यहाँ पे केवल एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है, हीलियम क्या होता है कि इसको 2 है तो कॉन्फिगरेशन करोगे 2, तो ऐसा कि रूल के अकॉर्डिंग क्या हमने बताया कि अगर आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 हुआ तो बैलेंसी क्या होगी, वही होगी। लेकिन यहाँ पे बैलेंसी 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि ये हीलियम है, हीलियम होता है नोबल गैस। तो यहाँ पे जो एक्चुअली के वाली सेल है, आपको पता होगा कि के वाली सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2 है, तो 2 - 2, 2 - 2, यहाँ पे हम 2 में से ही माइनस कर देते हैं और ये 0 आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो के वाली सेल है ये ऑलरेडी कंप्लीट है, K
केवल ये जो सेल है ये ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसमें 2-2 कर दिया तो हमें मतलब ऑलरेडी कंप्लीट होने का क्या मतलब, इसको जरूरत ही नहीं है किसी से। तो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है ना ही देने की जरूरत होती है। तो आपको याद रखना है जितनी भी नोबल गैसेस होंगी उनका वैलेंसी क्या होगा, जीरो। कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं बता दे रहे हैं यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान। ये आप यहां तक लर्न रखेंगे तो ये हो गया 2 हो गया 10, आर्गन हो गया आपका 18, क्रिप्टन हो गया 36। आपके अकॉर्डिंग 36 तक याद रखते हो तो ठीक है, दो बच्चे इनको भी कर लो जी 54, रेडान हो गया आपका 86, लास्ट का 118 भी आ गया है, ओगेनेशन, ठीक है वो अभी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये इतने याद रखने, इनकी जो बैलेंसी होगी वो क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। इनकी बैलेंसी जीरो क्यों होगी, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है, ना तो इन्हें लेने की नीड है ना ही देने की नीड है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट पे जरूर बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, कैसे इनको